चाइना सुपर पावर के लिए ट्राई कर रहा है, लेकिन चाइना के बहुत बड़े एरिया के ऊपर इंडिया ने कब्जा कर रखा है और चाइना उसको अभी तक छुड़वा नहीं। उन्होंने सोचना ख्वाब देखने शुरू कर दिए कि यही तालिबान अब हमें कश्मीर भी लेकर देंगे। ये कल से ये मैं देख रहा हूं आपके सोशल मीडिया पर, और ये कश्मीर आप अगर नहीं लेना चाहते तो तालिबान क्यों लेकर देंगे आपको? अगर आप में सख्त नहीं है तो वो क्यों लेकर देंगे? आपका बैलेंस होना चाहिए था रिलेशनशिप अमेरिका के साथ। मैं समझता हूं उनके साथ आप सारी बातें ना माने, लेकिन आप कुछ ना कुछ तो चले, दुनिया को कम से कम कन्विंस तो करके रखें। आप जब प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि वी आर नॉट स्पोक्स पर्सन ऑफ तालिबान, लेकिन साथ ही अगले दिन स्पीच उन्होंने दे दी, उन्होंने कहा जी तालिबान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ के नीचे फेंक दी। लेकिन इस वक्त मैं जाती तौर बताऊं, वॉशिंगटन डीसी और वेस्टर्न जितने हैं दे आर प्लानिंग, यहां पे सबसे ज्यादा जो बात चल रही है वो यही है कि सैंक्शंस अगेंस्ट पाकिस्तान, सैंक्शंस अगेंस्ट पाकिस्तान। वो सब ये समझते हैं कि जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ है इट वॉज डन बाय पाकिस्तान। तालिबानियों के मामले में जिस तरह पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है, अब उसकी हकीकत पूरी दुनिया के सामने आ गई है। यह कहा जा रहा है पाकिस्तानी मीडिया में कि पाकिस्तान पर जो सैंक्शन लगने वाले हैं उससे चीन भी पाकिस्तान को नहीं बचा पाएगा, क्योंकि चीन खुद ही भारत के साथ उलझा हुआ है और भारत ने जो चीन के ज़मीन पर कब्जा कर रखा है अभी तक चीन उसे छुड़ा नहीं पाया है। पाकिस्तान के इसी डर और डबल गेम के बीच घूमती आज की परिचर्चा, आइए आगे सुनते हैं। क्या जो पाकिस्तान की तरफ से एक नैरेटिव गया कि जो एक बड़ी खुशियां मनाई गई और ये किया गया, तो इस सूरत हाल में आपको लगता है कि पाकिस्तान डिक्टेट करवाने वाले की उन मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए एक रेड फ्लैग है कि जब अगले दिन तालिबान ने वहां से जंगी कैदी छोड़े तो उनमें मुल्ला फकीर जो कि नेक्स्ट सेकंड इन कमांड है टीटीपी पाकिस्तान, टीटीपी के जो उनके सेकंड इन कमांड है बाजौड़ वाले, उनको भी उन्होंने रिहा कर दिया, उनके साथ उनके साथियों को भी रिहा कर दिया। और आपको टीटीपी के इरादों का पता होगा, उस पर मैं दो चीजें बताना चाहूंगा कि हमारे बाजवा साहब हमारे कमांडर इन चीफ हैं, उन्होंने भी कहा था कि टीटीपी और दूसरे तालिबान, टीटीपी और तालिबान में कोई फर्क मौजूद नहीं है। अगर ये हालात हैं तो फिर पाकिस्तान की तरफ गर्म हवाओं का रुख है, एक तो टूटी फूटी सुपर पावर अमेरिका और दूसरा तालिबान की तरफ से और तीसरा इंडिया की तरफ से। और चाइना देखें, मैं यहां पर यह आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा कि चाइना सुपर पावर के लिए ट्राई कर रहा है, लेकिन चाइना के बहुत बड़े एरिया के ऊपर इंडिया ने कब्जा कर रखा है और चाइना उसको अभी तक छुड़वा नहीं। कारजई साहब और उसके बाद हिकमत गुलबदीन, इसमें दो बंदे तो नजर आते हैं कि अमेरिका इंटरेस्ट को, अमेरिका के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, कारजई साहब और हिकमत गुलबदीन। अब्दुल्ला अब्दुल्ला रशियन एजुकेटेड है, अल्टीमेटली उनकी फीलिंग्स रशिया के साथ है, वो उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन आने वाले दिन डिफाइन करेंगे। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी जो मैं समझता हूं जो थ्रेट आ रही है वो एक ये थ्रेट है कि वॉशिंगटन डीसी में जो इंडियन डायस्पोरा बैठा है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में इंडियन लॉबी सेकंड टू द इजराइल लॉबी, एक तो वो सबसे बड़ा खतरा है और दूसरा पाकिस्तान अभी तक अपना मैसेज पूरा कन्वे नहीं कर पाया। पाकिस्तान को एक वेरी कंप्रेहेंसिव कैंपेन की जरूरत है ताकि लोगों को बताएं कि हम कहां खड़े हैं, हम फ्यूचर कहां जाएंगे, हमारी हिकमत अमली क्या है। अभी तक आपका नरेटिव दुनिया तक नहीं पहुंचा। वॉशिंगटन डीसी जो है वो ये समझ रहा है और बल्कि होगा कि वो अफगानिस्तान का मलबा जो सारा वो पाकिस्तान में फेंकेंगे, आपकी एफटीएफ में फंसे रहेंगे, आपके पास आप पे मजीद हो सकता है सैंक्शंस और एम्बार्गो की तरफ जाएं। कि हमारे पाकिस्तानी मीडिया को और पाकिस्तानी अवाम को एक ये मैं समझता हूं कि नहीं करना चाहिए, वो कल के बाद अब तालिबान अभी पूरा काबुल पूरे तरीके से टेक ओवर नहीं हुआ तो कल ही उन्होंने सोचना ख्वाब देखने शुरू कर दिए कि यही तालिबान अब हमें कश्मीर भी लेकर देंगे। ये कल से ये मैं देख रहा हूं आपके सोशल मीडिया पर, और ये कश्मीर आप अगर नहीं लेना चाहते तो तालिबान क्यों लेकर देंगे आपको? अगर आप में सख्त नहीं है तो वो क्यों लेकर देंगे? वो देखें अभी उन्होंने, अभी तो वो खुद ना तजर्बाकार है, मोटरसाइकिलों पर वो चढ़ के गए हैं, काबुल पहुंचे हैं, अभी उन्होंने पूरी दुनिया को फेस करना है, अभी उन्होंने सारी चीजें सीखनी है, अभी पता नहीं वो आपके साथ क्या करने वाले हैं, ये भी आपको नहीं पता भी। तो ये पाकिस्तान में सबसे बड़े जो जश्न मनाए जा रहे हैं, और मैं दो कुछ चीजें बहुत काबिले इतराज हैं जो इस वक्त वेस्टर्न कंट्री इंक्लूडिंग अमेरिका देख रहा है। आपके हर चैनल ने जनरल हमीद गुल की वीडियो को चलाई है कि अमेरिका, हम आईएसआई अमेरिका को अमेरिका की मदद से मारेगी।
आप क्या ख्याल है, ये कान बंद कर, ये अमेरिका के लिए अच्छा म्यूजिक है ये? वो पहले ही कहते हैं कि 20 साल आपने हमें ब्लैकमेल किया, आपने आपने डबल गेम खेली हमारे साथ। और इस वक्त एक उसको एक तकवीयत कहां से मिल रही है, इस वक्त उनके एयर्स एंड आईज जो है वो इंडियन डायस्पोरा है। इंडियन अपॉइंटमेंट अगर आप देखें इस वक्त व्हाइट हाउस में, प्रेसिडेंट का स्पीच राइटर इंडियन है, जो इस वक्त उनका मीडिया चलाने वाला, आईटी चलाने वाला व्हाइट हाउस का इंडियन है। यहाँ पे सबसे बड़ी कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट और पेप्सी और सारी, इनके सबके सब सीईओ जो है सारे इंडियन है। आपका क्या ख्याल है, वो आपको प्रमोट करेंगे, वो मोदी को प्रमोट करेंगे? मोदी को कर रहे हैं वो प्रमोट, वो अमेरिका को वो जानबूझ के बता रहे हैं कि पाकिस्तान हैज बीन प्लेइंग डबल गेम विद यू। आप किस तरीके से भाग के चाइना के पीछे छुप जाएंगे? मुझे आज तक कोई एक्सप्लेन नहीं कर सका, आपका पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट और पाकिस्तानी कोई भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट, कि हाउ यू आर प्रिपेयर्ड योरसेल्फ टू हाइड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ चाइना। मुझे मुझे समझ नहीं आई बात की। आपका बैलेंस होना चाहिए था रिलेशनशिप अमेरिका के साथ। मैं समझता हूं उनके साथ आप सारी बातें ना माने, लेकिन आप कुछ ना कुछ तो चले, दुनिया को कम से कम कन्विंस तो करके रखें। आप जब प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि वी आर नॉट स्पोक्स पर्सन ऑफ तालिबान, लेकिन साथ ही अगले दिन स्पीच उन्होंने दे दी, उन्होंने कहा जी तालिबान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ के नीचे फेंक दी दिनों के। उन्होंने दुनिया का मुल्क ऐसा कोई नहीं छोड़ा जहां जाके वो तालिबान को अप्रोच करने की कोशिश ना कर रहे हो। वो ईरान में जाके तालिबान से बातें करते रहे हैं, वो ताजिकिस्तान में जाके तालिबान से बातें करते रहे हैं। अगले दिन दोहा में जब आपके खलील जादे एंटर हुए हैं, उनके साथ वीपी सिंह थे जो इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव वहां पे। तो आप खुद देखें कि आप कहां खड़े हैं, आप कहां जाना चाहते हैं। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। और सबसे बड़ी मैंने अगले दिन भी बताने की कोशिश की थी, आपने जो एनएसए हायर किया है वो आपका फॉरेन मिनिस्टर की ड्यूटी दे रहा है। आप मुझे इंडिया के एनएसए का नाम बताएं, आपको नहीं पता होगा। आप अमेरिका के एनएसए का नाम बताएं, नहीं पता होगा। लेकिन मोइज यूसुफ इज कंटिन्यूअसली टॉकिंग टू द फाइनेंशियल मीडिया, एम्बैरेसिंग हिज ओन गवर्नमेंट, एम्बैरेसिंग हिज ओन प्राइम मिनिस्टर। तो चलाने की कोशिश की लेकिन कॉल ही नहीं आई नहीं, लेकिन वो इसमें देखे ना, अमेरिका से कॉल नहीं आई तो इनको चाहिए दूसरे यूरोप में जाएं, यूरोप को अबैंडन कर रखा है आपने, वहां से सपोर्ट हासिल करें। दूसरे आप मिडल ईस्ट में जाएं, आप ईरान में जाएं, जितने नेबरिंग कंट्री है, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना, इन अपने जो नेबर्स हैं वहां तो एक मार्केटिंग कैंपेन चलाएं। लेकिन इस वक्त मैं जाती तौर बताऊं, वॉशिंगटन डीसी और वेस्टर्न जितने हैं दे आर प्लानिंग, यहां पे सबसे ज्यादा जो बात चल रही है वो यही है कि सैंक्शंस अगेंस्ट पाकिस्तान, सैंक्शंस अगेंस्ट पाकिस्तान। वो सब ये समझते हैं कि जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ है, इट वाज डन बाय पाकिस्तान। तालिबानियों के अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जे के कारण पाकिस्तान में जिस तरह से खुशियां मनाई जा रही है, उसको लेकर पाकिस्तान के कुछ राजनीतिक पंडित, विचारक और मीडिया के समझदार लोग बड़ा चिंतित हैं। और उसका कारण भी स्पष्ट है। पहला कि तालिबान का पाकिस्तान के प्रति भविष्य में क्या रवैया होने वाला है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। अभी की अगर बात देखें तो तालिबान का एक गुट जिसे तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP कहा जाता है, वह खुलेआम पाकिस्तान को धमकी दे रहा है और उसने पाकिस्तान के ही प्रांत खैबर पख्तूनवा जिसे KP कहा जाता है और बलूचिस्तान में अपनी आतंकवादी गतिविधियां बढ़ा दिया है। हालांकि पाकिस्तान भारत पर इल्जाम डालकर अभी अपना हाथ साफ कर रहा है, लेकिन वह कार्रवाई TTP है और वह कार्रवाई अगर तेज हुई तो फिर पाकिस्तान आने वाले दिनों में किस पर इल्जाम डालेगा? दूसरा, पाकिस्तान जिस तरह से तालिबानियों के काबुल पर आने पर खुश हो रहा है और पाकिस्तानी मीडिया जिस तरह से गुणगान कर रही है, पूरा विश्व समुदाय यह समझ रहा है कि पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है। एक ओर वह तालिबानियों की मदद भी कर रहा है और दूसरी तरफ विश्व समुदाय को यह आश्वासन भी दे रहा है कि उसका तालिबान के काबुल पे आने पर कोई रोल नहीं है। लेकिन पूरा विश्व अब समझने लगा है कि पाकिस्तान ही डबल गेम खेल रहा है। अगर उस पर पूरा विश्व सैंक्शन लगाता है तो फिर पाकिस्तान की स्थिति भविष्य में और ख़राब होने वाली है। तीसरा, पाकिस्तान यह ख्वाब देख रहा है या उसको आशा है कि अगर सैंक्शन पूरा विश्व लगा भी दिया तो चीन उसको मदद कर देगा। लेकिन पाकिस्तान के ही कुछ विचारकों का, राजनीतिक पंडितों का यह मानना है कि चीन खुद ही भारत के साथ लद्दाख बॉर्डर पर उलझा हुआ है। भारत ने जो ज़मीन अभी हाल के दिनों में ब्लैक टॉप पर जो चीन के कब्जे वाली जमीन थी, भारत ने कब्जा जमा लिया है। अभी तक चीन तो उसे ही नहीं छुड़ा पाया और फिर भारत के साथ तो अभी पूरा विश्व ही खड़ा दिखता है, तो फिर पाकिस्तान की कैसे मदद चीन इन हालातों में कर पाएगा? तीसरा, पाकिस्तान की मीडिया जो कह रही है कि यह
अमेरिका की हार और पाकिस्तान की जीत है, इसे भी अमेरिका में बड़े ध्यान से देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका और पाकिस्तान की इसी तरह दूरी बढ़ती रही, क्योंकि अभी तक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को फोन तक नहीं किया है, तो यही दूरी और बढ़ती रह गई तो फिर पाकिस्तान को FATF से बाहर निकलने में, IMF से लोन लेने में, वर्ल्ड बैंक से लोन लेने में फिर बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और पाकिस्तान की ऐसी आर्थिक स्थिति है कि बिना कर्जा का उसका देश नहीं चल सकता, और चीन भी अब धीरे धीरे हाथ खींच रहा है कर्जा देने से, वह पीछे हट रहा है, और सऊदी अरेबिया UAE जो पाकिस्तान के पुराने दोस्त हैं वे चूंकि अमेरिका कैंप में हैं और तो वे धीरे धीरे पीछे हटना तो पहले से ही शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने एक और ख्वाब देखा है कि जिस जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान अपने दम पे भारत से हासिल नहीं कर पाया, अब तालिबान उसको लेकर उसके झोली में डाल देंगे, यानी तालिबानी जो हैं वह पाकिस्तान की लड़ाई जम्मू कश्मीर में लड़ेंगे। ऐसा कभी भी होने वाला नहीं है, क्योंकि क्या भारत की सेना हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेगी? अगर पाकिस्तान की 5 लाख सेना वह नहीं कर पाई तो क्या तालिबानी 75,000 ऐसा कर पाएंगे और भारत सरकार चुप तमाशा देखती रहेगी? भारत के लोग क्या तमाशा देखते रहेंगे? यह केवल पाकिस्तान का दिवा स्वप्न है। और दूसरे, तालिबानी खुद ही भारत के साथ अच्छे संबंधों का पैगाम भेज रहे हैं, तो फिर तालिबानी ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि भारत पाकिस्तान से ज़्यादा अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया है और इन्वेस्टमेंट करने की हैसियत रखता है, जबकि पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है। इसलिए जश्न मनाने के बजाय पाकिस्तान को अपने गिरेबान में झाँक कर देखना चाहिए कि वह क्या कर रहा है और वह कैसे निकलेगा, न कि दूसरे पर आप इल्ज़ाम लगाए और दूसरे पर ही दूसरे को जीत को देखकर, तालिबानियों की जीत को देखकर जश्न मनाएं। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।